हेलो स्टूडेंट्स, सो लेट्स कंटिन्यू विद आवर सेम चैप्टर दैट इज़ भोली। अभी तक हमने क्या रीड किया है, उसकी पूरी फैमिली बैकग्राउंड, दैट शी हैज सिक्स सिबलिंग्स और अमंग ऑल ऑफ देम ओनली शी इज़ अ लिटिल बिट अनहेल्दी एंड स्लो माइंडेड, स्लो लर्नर। और जब उनके विलेज में एक स्कूल ओपन हुआ तो तहसीलदार ने उसके फादर को क्या कहा कि As he was the number the revenue officer of the village, उसे villagers के सामने example set करना पड़ेगा, तो वो भोली को school भेजने के लिए ready हो जाता है। तो जब भोली school जाती है तो वहाँ पर एक teacher उसे बहुत encourage करती है और उसे बहुत प्यार से, बहुत care से treat करती है। और इस तरह भोली के दिल में एक नई hope, नई life की चांसेस आते हैं, उसके दिल में एक आशा आती है कि शायद अब उसकी लाइफ चेंज हो जाए। लेट्स कंटिन्यू एट पेज नंबर 58 आफ्टर रीड एंड फाइंड आउट। दस द ईयर्स पास्ट, और इसी तरह बहुत साल बीत गए। द विलेज बिकेम अ स्मॉल टाउन, अब जो विलेज था वो छोटा थोड़ा सा डेवलप हो गया था, टाउन में बदल गया था। द लिटल प्राइमरी स्कूल बिकेम अ हाई स्कूल, जो प्राइमरी स्कूल ओपन हुआ था वो अब हाई स्कूल बन गया था। देर वर नाउ अ सिनेमा अंडर अ टिन शेड एंड अ कॉटन गिनिंग मिल, अब उस विलेज में एक टिन शेड के अंदर नीचे सिनेमा भी स्टार्ट हो गया था और एक कॉटन गिनिंग मिल, मीन्स जो कॉटन फ्लावर से कॉटन निकाली जाती है उसकी मिल स्टार्ट हो गई थी। द मेल ट्रेन बिगेन टू स्टॉप एट देयर रेलवे स्टेशन, अब जो ट्रेन जिसमें लेटर्स वगैरह कैरी की जाती थी वो भी उनके टाउन में स्टेशन में स्टॉप होने लगी, वो स्टेशन बन गया वहाँ पर। वन नाइट आफ्टर डिनर रामलाल सेड टू हिज वाइफ, अब एक रात को डिनर के बाद रामलाल ने अपनी वाइफ से क्या कहा, देन शैल आई एक्सेप्ट बिशंबर्स प्रपोजल, तो क्या मैं बिशंबर का प्रपोजल एक्सेप्ट कर लूँ। येस सर्टेनली हिज वाइफ सेड, उसकी वाइफ ने कहा हाँ बिल्कुल, सर्टेनली बिल्कुल करो उसका एक्सेप्ट। भोली विल बी लकी टू गेट सच अ वेल टू डू ब्राइड ग्रूम, कहते भोली इतनी लकी है कि उसने वेल टू डू मीन्स इतना रिच ब्राइड ग्रूम दूल्हा मिला है। अ बिग शॉप, अ हाउस ऑफ हिज ओन एंड आई हियर सेवरल थाउजेंड इन द बैंक, कहती उसकी एक बड़ी शॉप है, अपना घर है और मैंने ये भी सुना कि बैंक में उसका बहुत बैलेंस भी है। मोर ओवर ही इज़ नॉट आस्किंग फॉर एनी डाउरी, और सबसे बड़ी बात वो कोई दहेज भी नहीं मांग रहा। दैट्स राइट बट ही इज़ नॉट सो यंग यू नो, कहते हैं वो सब तो ठीक है लेकिन वो इतना यंग नहीं है, मीन्स एज वाइज वो उससे बहुत बड़ा है भोली से। ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम, कहते हैं नियर अबाउट मेरी एज का है, मीन्स जो बिशंबर जिससे भोली की मैरिज की बात चल रही थी, ही वॉज एज ओल्ड एज भोलीज फादर। एंड ही ऑल्सो लिम्प्स, और वो लिम्प मीन्स लंगड़ाता भी है। मोर ओवर द चिल्ड्रन फ्रॉम हिज वर्स्ट वाइफ आर क्वाइट ग्रोन अप, और जो उसकी पहली वाइफ से जो उसके बच्चे थे वो ऑलमोस्ट ग्रो अप हो चुके हैं, बड़े हो चुके हैं। सो वट डज इट मैटर, अब उसकी वाइफ कहती है फिर क्या हुआ, इस बात का क्या फ़र्क पड़ता है। His wife replied, उसकी वाइफ ने कहा 45 और 50, कहते हैं 45 या 50 इट्स नॉट ग्रेट एज फॉर अ मैन, कहते हैं किसी पर्सन के लिए, मैन के लिए ज़्यादा एज नहीं है। वी आर लकी दैट ही इज़ फ्रॉम अनदर विलेज, कहते हैं हम इस बात के लिए लकी हैं कि वो दूसरे गांव से हैं। एंड डजंट नो अबाउट हर पोक मार्क्स एंड हर लैक ऑफ सेंस, और उसे उसके भोली के जो फेस पे या बॉडी पे जो स्मॉल पॉक्स के दाग लगे हुए हैं उसके बारे में, या फिर उसकी जो इंटेलिजेंस उसमें कम है उसके बारे में नहीं पता। इफ़ यू डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल शी मे रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ, अब उसकी वाइफ कहती है अगर हमने उसका ये प्रपोजल एक्सेप्ट नहीं किया तो हो सकता है वो पूरी लाइफ अनमैरिड बैठी रहे। येस बट आई वंडर वट भोली विल से, अब उसका फादर कहते हैं बात तो ठीक है लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा भोली क्या कहेगी। वट विल दैट विटलेस वन से, शी इज़ लाइक अ डम्प काउ, अब उसकी मदर कहती है विटलेस मीन्स बेवकूफ़, स्टूपिड, वो स्टूपिड क्या कहेगी, वो तो एक
डम्ब काउ गूंगी गाय के समान है। मे बी यू आर राइट, मटर्ड रामलाल। मटर्ड मीन्स हल्के वॉइस में, स्लो वॉइस में उसने क्या कहा, शायद तुम ठीक हो। इन द अदर कॉर्नर ऑफ द कोर्ट यार्ड, भोली ले अवेक ऑन हर कोट लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कॉन्वर्सेशन। अब कोर्ट यार्ड मीन्स आंगन के दूसरे कॉर्नर में भोली अपनी चारपाई पे लेटी हुई अपने पेरेंट्स की कॉन्वर्सेशन सुन रही थी। बिशंबर नाथ वॉज अ वेल टू डू ग्रॉसर। बिशंबर जो नाथ जो था वो एक रिच ग्रॉसर था। ही केम विद अ बिग पार्टी ऑफ फ्रेंड्स एंड रिलेशंस विद हिम फॉर द वेडिंग। अब वो अपनी बहुत बड़े फ्रेंड्स और रिलेशंस रिलेटिव्स के साथ वेडिंग के लिए, शादी के लिए आया। अ ब्रास बैंड प्लेइंग अ पॉपुलर ट्यून फ्रॉम एन इंडियन फिल्म हेडेड द प्रोसेशन। और ब्रास बैंड मीन्स बैंड बाजे वाले, इंडियन मूवी का एक पॉपुलर ट्यून सॉन्ग का ट्यून बजा रहे थे। हेडेड द प्रोसेशन मीन्स बारात के आगे आगे चल रहे थे। विद द ब्राइडग्रूम राइडिंग अ डेकोरेटेड हॉर्स। ब्राइडग्रूम इज दूल्हा जो एक डेकोरेटेड हॉर्स पर बैठा हुआ था। रामलाल वॉज ओवरजॉयड टू सी सच पॉम्प एंड स्प्लेंडर। अब रामलाल ने जब इतना ठाट बाट वाला पॉम्प एंड शो, इतनी तड़क भड़क देखी तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। ही हैड नेवर ड्रीम्ड दैट हिज फोर्थ डॉटर वुड हैव सच अ ग्रैंड वेडिंग। उसने कभी नहीं सोचा था सपने में भी कि उसकी जो चौथी बेटी होगी उसकी इतनी ग्रैंड वेडिंग होगी। भोली'ज एल्डर सिस्टर्स हु हैड कम फॉर द ओकेजन वर एनवियस ऑफ हर लक। अब जो भोली की बाकी तीन सिस्टर्स थी जो उसकी मैरिज अटेंड करने आई थी, वो उसके किस्मत से एनवियस मीन्स जल रही थी, उन्हें जेलस फील हो रहा था। When the auspicious moment came, the priest said, "Bring the bride." अब जब auspicious moment में जब मुहूर्त आया तो पंडित ने क्या कहा, ब्राइड को लेकर आओ, दुल्हन को लेकर आओ। भोली क्लैड इन अ रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस। क्लैड मीन्स डेकोरेटेड। अब भोली रेड सिल्क की ब्राइडल ड्रेस दुल्हन के कपड़ों में सजी हुई थी। वॉज लेड टू द ब्राइड्स प्लेस नियर द सैक्रेड फायर। उसे कहाँ लाया गया, जो हवन चल रहा था उसके पास दुल्हन वाली जगह पर लाया गया। गार्लैंड द ब्राइड। अब उसे क्या कहा गया कि ब्राइड को, दुल्हन को माला पहनाओ। वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रॉम्प्टेड बिशंबरनाथ। बिशंबरनाथ के एक फ्रेंड ने उसे कहा, द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड ऑफ येलो मैरी गोल्ड्स। अब दूल्हे ने मीन्स बिशंबरनाथ ने येलो मैरी गोल्ड की माला को ऊपर उठाया डालने के लिए। अ वुमेन स्लिप्ड बैक द सिल्कन वेल फ्रॉम द ब्राइड्स फेस। अब एक लेडी ने क्या किया, जो सिल्कन वेल, सिल्क की साड़ी का वेल होता था घूंघट, जो ब्राइड के फेस पे आया हुआ था, जो भोली के फेस पे आया था, वो उसने पीछे सरका दिया। इट मीन्स अब उसका फेस विजिबल हो गया सबको। बिशंबर टुक अ क्विक ग्लैंस। अब बिशंबर ने एक जल्दी से नज़र डाली उसके फेस पे। द गार्लैंड रिमेंड पॉइज्ड इन हिज हैंड्स। अब जो माला थी वो उसके हाथों में वैसे पोज होकर रह गई। द ब्राइड स्लोली पुल्ड डाउन द वेल ओवर हर फेस। ब्राइड मीन्स दुल्हन ने, मीन्स भोली ने घूंघट को अपने फेस पे दोबारा खींच लिया। हैव यू सीन हर, सेड बिशंबर टू हर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम, शी हैज पोक मार्क्स ऑन हर फेस। अब बिशंबर ने जो उसके साथ उसका फ्रेंड खड़ा था उससे क्या कहा, कहते तुमने देखा इसके फेस पे तो स्मॉल पोक्स के दाग है। सो वट, यू आर नॉट यंग आइदर। अब उसके फ्रेंड ने कहा तो क्या हुआ, तुम भी इतने यंग नहीं हो। मे बी बट इफ आई एम टू मैरी हर, हर फादर मस्ट गिव मी 5,000 rupees। कहता फिर क्या हुआ, कहता अगर मुझे उससे मैरिज करनी है ना तो उसके फादर को मुझे 5,000 rupees देने पड़ेंगे। रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन हिज ऑनर एट बिशंबर्स फीट। अब रामलाल गया और उसने अपनी जो पगड़ी थी, जो उसका ऑनर था, जो उसकी रिस्पेक्ट थी, वो बिशंबर के पैरों में रख दी। डोंट ह्यूमिलिएट मी सो, टेक 2,000 rupees। अब रामलाल ने क्या कहा कि मेरी इतनी इंसल्ट मत करो, ह्यूमिलिएट मीन्स इंसल्ट मत करो, 2,000 rupees ले लो। नो 5,000 और वी गो बैक कीप योर डॉटर। अब बिशंबर ने कहा नहीं 5,000, वरना हम वापस चले जाएंगे, अपनी डॉटर को अपने पास रखो।
बी अ लिटल कंसिडरेट प्लीज इफ़ यू गो बैक आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज। अब वो कहता है थोड़ा सा सोचो, थोड़ा सा ख्याल रखो, अगर तुम वापस चले गए तो मैं अपने विलेज में अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा, अभी मेरी इंसल्ट बहुत होगी। देन आउट विथ 5,000। तो बिशंबर कहता है फिर 5,000 रुपीज़ निकालो। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, अब उसके फेस पे आंसू आने शुरू हो गए। रामलाल वेंट इन, ओपन द सेफ एंड काउंटेड आउट द नोट्स। रामलाल अंदर गया, उसने सेफ खोली और उसमें से नोट्स निकाल के काउंट करने लगा। ही प्लेस द बंडल एट द ब्राइड ग्रूम्स फीट। उसने वो जो बंडल था नोट्स का वो दूल्हे के पैरों में रख दिया, मीन्स पीशंबरनाथ के पैरों में रख दिया। ऑन बिशंबर्स ग्रीडी फेस अपीयर्ड अ ट्रायम्फेंट स्माइल। अब जो बिशंबर का लालची फेस पे उस पर एक ऐसी स्माइल आ गई कि हाँ मैं जीत गया। ही हैड गैम्बल्ड एंड वोन, उसने एक जुआ खेला और वो जीत गया। गिव मी द गार्लैंड ही अनाउंस्ड, अब उसने क्या कहा, मुझे माला दो। वंस अगेन द वेल वो स्लिप्ड बैक फ्रॉम द ब्राइड्स फेस, अब एक बार फिर दुल्हन के चेहरे से घूंघट स्लिप हो गया, उतर गया। बट दिस टाइम हर आइज वर नोट डाउन कास्ट, लेकिन इस बार दुल्हन की आइज, मीन्स भोले की आइज, नीचे की तरफ नहीं थी। शी वॉज लुकिंग अप, लुकिंग स्ट्रेट एट हर प्रोस्पेक्टिव हस्बैंड, वो बिल्कुल वो ऊपर देख रही थी स्ट्रेट, कहाँ पर, अपने होने वाले हस्बैंड की तरफ। एंड इन हर आइज देयर वॉज नाइदर एंगर नोर हेट, ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट, अब उसकी आंखों में ना तो गुस्सा था ना नफरत थी, बल्कि कोल्ड मीन्स इमोशनलेस और कंटेम्प्ट मीन्स आप कह सकते हो इंसल्ट की जो फीलिंग होती है वो चीज़। बिशंबर रेज द गार्लैंड टू प्लेस इट राउंड द ब्राइड्स नेक, अब बिशंबर ने जैसे ही गार्लैंड ऊपर उठाई माला दुल्हन के गले में डालने के लिए, बट बिफोर ही कुड डू सो, बट इससे पहले कि वो ऐसा करता, मीन्स इससे पहले कि वो गले में माला डालता है दुल्हन के, भोलीज हैंड स्ट्रक आउट लाइक अ स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग एंड द गार्लैंड वॉज फ्लंग इन टू द फायर। भोली का जो हाथ था वो बिजली, जैसे बिजली चमकती है वैसे उसका हाथ बाहर निकला और गार्लैंड जो थी, माला जो थी, वो आग में फेंक दी। शी गॉट अप एंड थ्रू अवे द वेल, वो उठी और उसने घूंघट उठा के नीचे गिरा दी, मीन्स जिस चुन्नी से, जिस दुपट्टे से उसका घूंघट हुआ था उसने वो उतार दिया। पिताजी सेड भोली इन अ क्लियर लाउड वॉइस, अब भोली ने क्लियर लाउड वॉइस में क्या कहा, पिताजी एंड हर फादर मदर सिस्टर्स ब्रदर्स रिलेशंस एंड नेबर्स वर स्टार्टल्ड टू हियर हर स्पीक विदाउट इवन द स्लाइटेस्ट स्टैमर। अब जो भोली के फादर मदर सिस्टर्स ब्रदर रिलेटिव्स और नेबर्स से वो हैरान रह गए, स्टार्टल्ड मीन्स हैरान रह गए कि वो विदाउट स्टैमर, बिना हकलाए इतना क्लियर बोल रही है। पिताजी टेक बैक योर मनी, आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, अब भोली कहती है कि पिताजी आप अपनी पैसे वापस ले लो, मैं इस मैन से, इस पर्सन से मैरिज नहीं करूँगी। रामलाल वो थंडरस्ट्रक, अब रामलाल जो था वो थंडरस्ट्रक मींस कहते हैं ना कि हैरानी से बुत बन जाना, स्टैचू बन जाना, वो रह गया। द गेस्ट्स बिगिन टू विस्पर, अब जो मेहमान आए हुए थे उन्होंने कानाफूसी वो फुसफुसाने लग गए। सो शेमलेस, सो अगली एंड सो शेमलेस, कितनी बेशरम है, कितनी बदसूरत है। भोली आर यू क्रेजी, शाउटेड रामलाल, अब रामलाल ने चिल्ला कर कहा कि तुम पागल हो गई हो, यू वॉन्ट टू डिस्क्रेस योर फैमिली, तुम अपनी फैमिली को की इंसल्ट करवाना चाहती हो। हैव सम रिगार्ड फॉर आर इज्जत, कि हमारी इज्जत की तो थोड़ी सी परवाह करो। फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत सेड भोली, अब भोली ने कहा आपकी इज्जत की खातिर आई विल विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन, कि मैं एग्री कर गई थी कि मैं इस बूढ़े लंगड़े आदमी से शादी करने के लिए रेडी हो गई थी, बट आई विल नॉट हैव सच अ मीन ग्रीडी एंड कंटेम्प्टेबल कवर्ड एज माई हस्बैंड, कहती लेकिन
मैं इस मीन मीन्स नीच, ग्रीडी मीन्स लालची और कंटेम्प्टिबल मीन्स जो जिसके लिए आपके दिल में बहुत गुस्सा भी होती है, नफरत भी होती है, ये चीज़ कि ऐसे इंसान के साथ मैं, ऐसे इंसान को मैं अपने एज अ हस्बैंड एक्सेप्ट नहीं करूँगी। आई वोंट, आई वोंट, आई वोंट, कहता नहीं, कहती नहीं करूँगी, नहीं करूँगी, नहीं करूँगी। बट अ शेमलेस गर्ल, वी ऑल थॉट शी वॉज अ हार्मलेस डंब काओ। अब किसी ने कहा कि कितनी बेशरम गर्ल है, हम तो सोचते थे कि ये बिल्कुल एक गाय, सॉरी गाँव गाय की तरह भोली सी है, चुप रहती है। भोली टर्न वॉलेंटली ऑन द ओल्ड वूमेन। अब भोली गुस्से से उस ओल्ड वूमेन की तरफ टर्न करी जिसने ये डायलॉग बोला था। यस आंटी यू आर राइट, कहती हाँ आंटी आप बिल्कुल ठीक हो। यू ऑल थॉट आई वॉज अ डम्ब ड्राइवन काओ, कहती आप सारे यही सोचते थे कि मैं एक गूंगी गाय की तरह हूँ। दैट्स वाई यू वॉन्टेड टू हैंड मी ओवर टू दिस हार्टलेस क्रिएशन, कहते इसलिए आप सारे चाहते थे कि मैं इस, मुझे इस हार्टलेस क्रिएचर मीन्स इस निर्दयी क्रूअल आदमी को हैंड ओवर करना चाहते थे। बट नाउ द डम्ब काओ द स्टैमरिंग फूल इज स्पीकिंग, कहते लेकिन अब ये डम्ब काओ एक स्टैमर करने वाली बेवकूफ बोल रही है। डू यू वॉन्ट टू हीयर मोर, क्या तुम और सुनना चाहती हो। बिशंबर नाथ द ग्रोसर स्टार्टेड टू गो बैक विद हिज पार्टी। अब जो बिशंबर नाथ था वो अपनी पार्टी, जो उसके साथ रिलेटिव्स या फ्रेंड्स आए थे, वो वापस जाने लगा। द कन्फ्यूज्ड बैंड्स मैन थॉट दिस वॉज द एंड ऑफ द सेरेमनी एंड स्ट्रक अप अ क्लोजिंग सॉन्ग। अब जो बैंड बजाने वाले पर्सन थे वो कन्फ्यूज हो गए और उन्होंने सोचा शायद शादी ख़त्म हो गई, और उन्होंने क्लोजिंग मीन्स एंडिंग का, क्लोजिंग सॉन्ग मीन्स विदाई का सॉन्ग गाने लग गए। रामलाल स्टूड रूटेड टू द ग्राउंड। अब जो रामलाल था वो रूटेड टू द ग्राउंड मीन्स स्टैचू बन के खड़ा हो गया, खड़ा रहा। हिज हेड बोर्ड लो विद द वेट ऑफ ग्रीफ एंड शेम। अब जो उसका सिर था वो झुक गया किससे, ग्रीफ मीन्स दुख से और शर्म से। द फ्लेम्स ऑफ द सेकर्ड फायर स्लोली डाइड डाउन। वो जो पवित्र आग मीन्स हवन की जो आग जल रही थी वो धीरे धीरे बुझ गई। एवरीवन वाज गोन, हर कोई जा चुका था। रामलाल टर्न टू भोली एंड सेड, अब रामलाल भोली की तरफ टर्न किया और उसने कहा बट व्हाट अबाउट यू, नो वन विल एवर मैरी यू नाउ, व्हाट शैल वी डू विद यू, कहता अब तुम्हारा क्या होगा, कोई भी तुमसे मैरिज नहीं करेगा, हम तुम्हारे साथ क्या करेंगे। एंड सुलेखा सेड इन अ वॉइस दैट वॉज काम एंड स्टेडी। अब सुलेखा ने एक, काम मीन्स शांत और स्टेडी मीन्स बहुत स्मूथ, जहाँ पे हकलाने वाला कोई चांस नहीं था, उसमें क्या कहा, डोंट यू वरी पिताजी, इन योर ओल्ड एज आई विल सर्व यू एंड मदर। कहते हैं डोंट यू वरी, आप चिंता मत करो, आपकी ओल्ड एज में मैं आपकी और मदर की सेवा करूँगी। एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल वेयर आई लर्नड सो मच, और कहती जिस स्कूल में मैंने इतना सीखा है मैं वहीं पर टीच करूँगी। इजंट दैट राइट मैम। अब जिस टीचर ने उसे सिखाया था वो उसे कहती क्या ये ठीक नहीं है मैम। द टीचर हैड ऑल अलोंग स्टूड इन अ कॉर्नर वॉचिंग द ड्रामा। अब जो टीचर थी वो एक कॉर्नर में खड़ी सारा ड्रामा देख रही थी कि क्या क्या हुआ। येस भोली ऑफकोर्स, उसने कहा येस भोली बिल्कुल, शी रिप्लाइड एंड इन हर स्माइलिंग आइज वॉज द लाइट ऑफ अ डीप सेटिस्फेक्शन। अब उसकी आइज़ में एक स्माइल थी, एक डीप सेटिस्फेक्शन थी, किस बात की, दैट एन आर्टिस्ट फील्स, जो एक आर्टिस्ट फील करता है वेन कंटेम्पलेटिंग द कम्प्लीशन ऑफ हर मास्टर पीस। जब वो कंटेम्पलेटिंग होता है, सोचता है, जब वो अपने मास्टरपीस को कंप्लीट कर लेता है, मीन्स यहाँ पर वो क्या कहना चाहता है कि जब कोई पेंटर अपनी कोई बेस्ट पेंटिंग कंप्लीट करता है और उसे देख के एक सेटिस्फेक्शन फील होती है, वही चीज़ अब भोली की टीचर को फील हो रही थी कि हाँ ये मेरी बेस्ट ये मेरी बेस्ट मास्टरपीस है कि मैंने इसे इतना
चेंज कर दिया, इसकी लाइफ को पूरी तरह चेंज कर दिया। तो इस तरह से जो भोली थी उसकी लाइफ एक टीचर की वजह से इतना चेंज हुई कि दैट एट लास्ट शी हैड द करेज टू स्पीक अगेंस्ट द पर्सन हु वॉज ग्रीडी। शी हैड करेज टू स्पीक अगेंस्ट डाउरी। तो दिस इज़ द चैप्टर भोली।